तो आप लोगों को याद होगा हमने कल स्वर के बारे में देखा था। तो स्वर से पहले कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, जिसमें हमने देखा था कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, भाषा का उच्चारण कैसे करें, उसको लिखें कैसे, उसका प्रयोग कैसे करें। तो यही समझाने वाला ग्रंथ क्या है, हमारा व्याकरण है। व्याकरण के तीन अंग बताए थे अगर आपको याद होगा। सबसे पहले वर्ण बताया था, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। वर्ण वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। वर्ण या ध्वनि हमने किसको कहा था, भाषा की सबसे छोटी लिखित या मौखिक इकाई। लिखित इकाई कहेंगे तो वर्ण, मौखिक इकाई कहेंगे तो ध्वनि। अब शब्द क्या था, इन्हीं वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक क्रम को, वर्णों का सार्थक क्रम कहलाता है शब्द, और वर्णों का व्यवस्थित क्रम कहलाता है वर्णमाला। व्यवस्थित क्रम माने जैसे अ, ओ के बाद आ, छोटी बड़ी, छोटा उ छोटी, क ख ग घ, जो सीरियल से हम लिखते हैं वो वर्णमाला हो गई। अब कुछ वर्ण मैंने पकड़े जैसे ज, व और न बनाया, तो उससे मैंने अपना ही नाम बना दिया, जैसे जीवन बना दिया। जैसे मैंने विजय बनाना है किसी का नाम, तो व पकड़ा, ज पकड़ा और य लिया, तीन अलग अलग वर्ण लिए, व में छोटी की मात्रा बनाई, तो इससे एक शब्द बन गया मेरा विजय। उसके बाद इन्हीं शब्दों के सार्थक क्रम को, भाव या भावार्थ के आधार पर, या शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जो कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई थी। उसके बाद कुछ कुछ पोर्शन हमने स्वर का देखा था, उसको हल्का फुल्का यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, याद रखना है। कुल स्वरों की संख्या कहेंगे तो 13, क्योंकि इसमें दो अयोग वाह भी शामिल हो जाते हैं, अ से लेकर औ तक। मात्रा के आधार पर इसके हमने दो भेद दिए थे। वैसे अगर आपको बताएं तो हमने अलग अलग तरीके से वर्ण स्वरों को बांटा था। वर्ण के दो भेद थे, एक था स्वर स्वतंत्र इकाई, वर्णों की स्वतंत्र इकाई या भाषा की स्वतंत्र इकाई, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें स्वर कहते हैं, और जो स्वतंत्र नहीं होते हैं या स्वर की मदद से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो स्वरों का अलग अलग तरीके से हमने वर्गीकरण किया था, मात्रा उच्चारण के आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा था। सबसे पहला था ह्रस्व, लघु या मूल, जिसमें ओ, छोटी, छोटा और रिया आते हैं, और दूसरा आता है दीर्घ, गुरु या संधिस्वर, जिसमें आ, ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ शामिल होते हैं। अब इसी दीर्घ स्वर को हमने दो अलग अलग भागों में बांटा था। सबसे पहले आता है सजाती स्वर, और उसके बाद आता है विजाती स्वर। स्वजाति के अंतर्गत आता है आ, बड़ी, बड़ाऊ। विजाति में आते हैं ए, आई, ओ, औ। कल हमने डिटेल में बहुत बड़े तरीके से इसको पढ़ा है। और अयोगवाह हमारे क्या हैं, अंक और अहो हैं, ये पोर्शन नोट डाउन कर लेंगे। जो योग न होने पर साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं, जबकि आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी ने अंक और अहो को क्या नाम दिया है, अयोगवाह नाम दिया है, अयोगवाह नाम दिया है। मात्रा उच्चारण के आधार पर हिंदी में अगर देखें तो स्वर के दो टाइप थे, ह्रस्व और दीर्घ। और तीसरा पोर्शन अगर आता है मात्रा उच्चारण के आधार पर, वो संस्कृत में आता है। संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर के तीन प्रकार थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व को एकमात्रिक स्वर, दीर्घ को द्विमात्रिक स्वर, और प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके बाद जो हमने अपने स्वरों को बांटा था, ओष्ट की आकृति के आधार पर बांटा था, जिसमें वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी स्वर थे। इसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर बांटा था, जिसमें अग्र, पश्च और मध्य स्वर आते थे। मुखाकृति के आधार पर चार टाइप के स्वर थे, जिसमें विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत थे। उसके बाद अनुनासिकता के आधार पर भी हमने स्वरों को दो अलग अलग भागों में बांटा था, जिसमें निरनुनासिक, जिसमें नाक की आवश्यकता नहीं है, यानी नाक से ध्वनि नहीं निकलेगी, निरनुनासिक बिना नाक के, और अनुनासिक नाक के अनुसार, मतलब जब हम उच्चारण करेंगे कोई वर्ण अगर ध्वनि निकालते हैं तो उसमें वायु हमारे नाक से भी गुजरेगी। तो यहां पर हमने कल वाला पोर्शन कवर किया था, आज हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन वाला पोर्शन। अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आज का टॉपिक है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या है, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं है, वे किन्हीं अन्य वर्णों पर यानी स्वर पर निर्भर है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये किस स्वर पर निर्भर है, प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर छिपा है, जिसे हम कहते हैं अ। परंपरागत रूप से कहें या मूल व्यंजनों की संख्या बनती है 33। अब ये 33 बनते कैसे हैं, तो 25 इसमें शामिल हैं स्पर्श व्यंजन, 25 शामिल हैं
स्पर्श व्यंजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजनों के बारे में बात अगर हम करें, व्यंजनों की शुरुआत क से होती है, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांच वर्ग हैं। इन पांच वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण है, तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई 25। तो 33 में 25 तो हमारे हैं स्पर्श व्यंजन, चार हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन जिसमें य, र, ल, व शामिल हैं, और चार शामिल है हमारे ऊष्म व्यंजन जिसमें श, स, स और ह शामिल है। तालब्य श, तालब्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, जिसे वत्स श भी कहते हैं, और ह भी इसमें शामिल होता है। 33 इनकी संख्या ऐसे बनती है। अब इन वर्गों की एक बार बात कर देते हैं, फिर देखेंगे 39 इनकी संख्या। लेखन के आधार पर अगर कहें, कुल व्यंजनों की संख्या कहें, तो उनकी संख्या 39 कैसे बनती है वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन है इसके बारे में देख लेते हैं। इनको हम पांच वर्गों में बांटते हैं। इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को वर्गों में बटे होने के कारण वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कितने वर्ग हैं? पांच वर्ग हैं। हर वर्ग में कितने वर्ण हैं? पांच वर्ण हैं। जैसे क वर्ग देखिए, क, ख, ग, घ, ङ, पांच शामिल हैं। क को हम कंठ वर्ग भी कहते हैं, इनके उच्चारण में कंठ वाले भाग का प्रयोग होता है। च वर्ग के अंतर्गत आते हैं पांच वर्ण, च, छ, ज, झ, य। एक बार इसका उच्चारण खुद करिए, च, छ, ज, झ, य। तो आपकी जीभ जिस स्थल को टच करती है मुख के अंदर, जिस स्थल को आपकी जीभ टच करती है चौवर्ग के अंतर्गत, तो वह क्षेत्र कहलाता है हमारा तालव्य। च, छ, ज, दांत का पीछे वाला भाग। अब इसी के थोड़ा अंदर जाते हैं तो हमारा टवर्ग बन जाता है। यानी अगर हम जीभ के ऊपर वाला हिस्सा देखें, जो ऊपर के हमारे दांत वाला हिस्सा होता है, उसकी जो छत अगर कहें, तो उस वाले हिस्से में टकराव से उत्पन्न होते हैं पांच वर्ण। कौन कौन से? ट, आप उच्चारण करिए ट, ठ, ड, ढ, ण, मतलब तालु से थोड़ा पीछे लग रही है हमारी जीभ, तो उस स्थल को हम कहते हैं मूर्धन्य। और त वर्ग में क्या होता है? त वर्ग को हम कहते हैं दंत्य वर्ग। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी जीभ होती है वो दांतों को जरूर टच करेगी, जैसे त, थ, द, ध, न। आप खुद से उच्चारण करिए, आपको पता चल जाए कंठ क्या है, तालु क्या है, मूर्धन्य क्या है, दंत क्या है और ओष्ठ। प वर्ग में जो पांच वर्ण होते हैं हमारे, प, फ, ब, भ, न, तो इनके उच्चारण अगर हम करें प, हमारी देखें दोनों होंठ मिल रहे हैं, तो इस वजह से इस वर्ग को ओष्ठ वर्ग भी कहते हैं। तो 25 वर्ण हमारे हो गए व्यंजनों के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन। इसके बाद हम आते हैं अंतस्थ व्यंजनों की तरफ। अंतस्थ, उष्म, और ये वाला पूरा पोर्शन हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर इनका अलग अलग तरीके से वर्गीकरण हम करेंगे। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिसके अंतर्गत आता है य, र, ल, व। आज व्यंजन बहुत बड़े तरीके से हमने पढ़ना है, इसके बाद कल के लेक्चर में कुछ अन्य चीजें और बचे हुए टॉपिक इसी चैप्टर के अंतर्गत हम समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद जो चीजें होंगी वो आपको बता दी जाएंगे। प्रैक्टिस सेट तो हमने लगाने हैं। इसका जो पहला प्रैक्टिस सेट आएगा स्वर और व्यंजन से चैप्टर का, जिसमें देवनागरी लिपि और वर्णमाला भी पढ़ी हमने, प्रीवियस ईयर का सवाल देखेंगे पहले प्रैक्टिस सेट में, उसके बाद कुछ नए सवाल देखेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन में चार वर्ण हो गए, उसके बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहेंगे। यूके WSC में सवाल पूछा गया है, स्वर और व्यंजनों के बीच की ध्वनियों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो उन्हें अंतस्थ कहते हैं। ऊष्म, किन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा निकलती है, एक टकराव सा महसूस होता है। ऊष्म संघर्षी या ऊष्म व्यंजन जिसमें श, स, स और ह शामिल है, तालब्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श। तो जो हमने मूल व्यंजनों की संख्या 33 देखी वो कैसे बनी, 25 इसमें स्पर्श व्यंजन हो गए, चार हमारे अंतस्थ हो गए और चार हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए, तो यहां पर हमने वही चीज लिखी है। अब कुल व्यंजनों की संख्या अगर हम देखते हैं तो इनकी संख्या 33 न होकर 39 होती है, तो वो कैसे होती है? 33 तो इसमें मूल व्यंजन ही शामिल होते हैं, चार बढ़ जाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों और एक स्वर की मदद से बना हुआ व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है, जिसमें क्षत्रिय वाला क्ष, त्रिभुज वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्यो, ये ज्ञो नहीं होता, इसे पढ़ते हैं ज्यो, 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 ज्यो होता है। ऐसे हम ज्ञो पढ़ते हैं लेकिन ज्ञो नहीं होता, ये ज्यो होता है, ज्यो, ज्यो। और उसके बाद स्र आता है, चार तो हो गए। उसके बाद आते हैं, जब हमने एक वर्ग देखा था ट वर्ग, अगर ऊपर हम देख रहे हैं तो ट वर्ग में तीसरा और जो चौथा वर्ण है जिसको ड और ढ कहते हैं, इसी ड और ढ के नीचे अगर हम एक बिंदु लगा देते हैं जिसे ताड़नजात बिंदु कहते हैं, तो ये ड ढ में रहकर ड और ढ बन जाता है।
तो ये दो गुण दिखा रहे हैं, इसी वजह से इनको उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त शब्द का वैसे अर्थ होता है फेंका हुआ। इस बिंदु को कहते हैं ताड़नजात बिंदु, इसी वजह से दो गुण दिखाने के कारण इन वर्णों को हम द्विगुण भी कहते हैं। इन्हीं वर्णों का एक और नाम है, आप लोग लिख लेंगे, द्विपृष्ठ, द्विपृष्ठ, द्विपृष्ठ व्यंजन भी इनको कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, अब इनका बढ़िया तरीके से वर्गीकरण एक बार देख, अब वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इनको तीन भागों में बांटते हैं। तीन कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। और इसमें पांच वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण होते हैं, जिसमें क, च, ट, त और प वर्ग होते हैं। क को कंठ कहते हैं, च को कंठ, कंठ के बाद तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धन्य, जो ट वर्ग है मूर्धन्य वर्ग है। त को दंत्य वर्ण कहते हैं और प को ओष्ठ वर्ग कहते हैं। इसमें टोटल 25 वर्ण होते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं अंतस्थ की तरफ। अंतस्थ में जो हमारे चार वर्ण शामिल है उनके नाम है य, र, ल और व। उसके बाद ऊष्म और संघर्षी व्यंजन आते हैं, श, श, स और ह, चार इसमें शामिल हो गए। अगला वर्गीकरण हम देखते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन। सबसे पहले आते हैं अघोष या घोष, और दूसरे नंबर पर आते हैं सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। तो अघोष में क्या होता है, अभी जो हमने पांच वर्ग देखे थे, क, च, ट, त और प, क, च, ट, त और प, तो इस वर्ग का यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये दूसरा वर्ण क्या होंगे, अघोष या घोष होंगे। इसी के साथ ऊष्म व्यंजन के तीनों शौ भी किसमें शामिल होंगे, ये अघोष या घोष में शामिल होंगे। यानी जो हम यहां पे देख रहे हैं, ये हमने पांच वर्ग देखे थे, तो इन पांच वर्गों में ये पूरा पोर्शन, पहला और दूसरा वर्ण, ये अघोष को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब ये जो तीसरा पोर्शन हमें दिख रहा है, ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो दिख रहे हैं प्रत्येक वर्ग के, ये अघोष न होकर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सघोष। इसी के साथ अघोष के अंतर्गत तीनों स्व हमारे शामिल थे, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, और सघोष में हमारा ह शामिल हो जाएगा ऊष्म व्यंजनों का। वही चीज हमने यहां पे लिखी है, वही चीज आप देख सकते हैं। तो अघोष और या घोष में कौन से वर्ण आएंगे, प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजन के, प्रत्येक वर्ग जो पांच वर्ग हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जाएगा अघोष अघोष में, और इन्हीं वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये जाएगा सघोष में। इसी के साथ ऊष्म व्यंजनों के जो पहले तीन वर्ण आपको दिख रहे हैं, स, श, स, ये जाएंगे अघोष में। याद करने में दिक्कत हो रही है, तो देखिए सघोष के पास स है, तो स इनके पास नहीं जा रहा है, ओ के पास चल जा रहा है, और बचा हुआ ह किसके पास चल जाता है, सघोष में चल जाता है, वही चीज हमने लिखी है। इसी के साथ जो अंतस्थ व्यंजन है हमारे य, र, ल, व, ये भी किसमें शामिल हो रहे हैं, ये भी हमारे अंतस्थ के अंतर्गत चले जाते हैं। तो जितने व्यंजन थे वो सारे सघोष अघोष के अंतर्गत हमने रख दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगला वर्गीकरण जो हम देखने वाले हैं व्यंजनों का। अगला वर्गीकरण इनका आता है प्राणवायु और प्राणत्व के आधार पर। अगला वर्गीकरण जो हम व्यंजनों का देखने वाले हैं, प्राणवायु और प्राणत्व के आधार पर, अल्प प्राण और महाप्राण। अब इनको याद कराने का बहुत इजी तरीका मैं बताता हूं। इसमें भी वही स्पर्श व्यंजन के पांच वर्ण हमने देखने पड़ेंगे, तो गिनती के हिसाब से चले तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले आता है अल्प, उसके बाद महा, फिर एक छोड़िए अल्प, फिर महा, फिर एक छोड़िए अल्प, यानी इसी तरीके से बढ़ते रहता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा अपने हाथों की गिनतियों के हिसाब से ना आप स्टार्ट कर सकते। सबसे छोटी उंगली स्टार्ट करी अल्प, दूसरे नंबर पे क्या आएगा महा, तीसरी ओपन करी अल्प, चौथा फिर महा, फिर अल्प। तो दूसरा और चौथा ये देखे तो महा, महाप्राण के अंतर्गत आ जाता है। अल्प महा, अल्प महा, अल्प, ऐसे करके याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखी गई, उसी को बढ़िया से कवर कर लेते हैं। तो यहां पे क्या कहा गया है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होगा। इसी के साथ सभी अंतस्थ वर्ण यानी योर और लव, ये सब हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अल्प प्राण के पास भी अ है
और अंतस्थ के पास भी ओ है, ऐसे हम पकड़ सकते हैं। जैसे वहां हमने सौ 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 सघोष में जाकर कहां जा रहे थे, अघोष में जा रहे थे, क्योंकि सौ सौ एक साथ नहीं आ रहे थे, यहां पर ओ और ओ एक साथ आ रहे हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, भी याद रखना है, अल्पप्राण। सघोष और अघोष के अंतर्गत स्वर को अगर डालें तो स्वर हमारे सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। अब महाप्राण के अंतर्गत 1 3 5 अगर हमारा है, 1 3 5 जिसको जैसे याद है वैसे करें, अपना तरीका मैंने बता दिया है। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा शामिल था, तो बचा हुआ दूसरा और चौथा वर्ण किस में चल जाएगा, महाप्राण में चल जाएगा। अंतस्थ हमारा कहां चले गया, अल्पप्राण में चले गया। तो ऊष्म व्यंजन चारों वर्ण तीनों स, यानी तालब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चारों महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। इसी के साथ विसर्ग अह जो हमारा होता है वो भी यहां आएगा। इनके टोटल संख्या यहां पे आप देख सकते हैं। अगला वर्गीकरण हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग तरीके से हम इनको बांटेंगे। तो सबसे पहला आता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन हमने देखा था पांच वर्ग थे, क च ट त और प, पांच वर्ग कौन कौन से थे, क च ट त और प, टोटल संख्या इनकी 25 थी। हर वर्ग में पांच वर्ण थे और पांच वर्ग थे, 5 × 5 = 25। अब उच्चारण स्थान के आधार पर अगर देखें तो स्पर्शी के अंतर्गत आते हैं क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कौन कौन से वर्ग, क ट त और प, इन वर्गों का शुरुआत के चार वर्ण। अब चौवर्ग कहां गया, फिर चौवर्ग हमारा चल जाता है स्पर्श संघर्षी में। यहां पर आप देख सकते हैं चौवर्ग के प्रारंभ के चार वर्ण, ये हमारे स्पर्श संघर्षी में। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई है। स्पर्शी अगर कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहेंगे तो 25 वर्ण है, स्पर्शी अगर कहेंगे तो उनकी संख्या है 16। स्पर्श संघर्षी कहेंगे तो चौवर्ग उसमें शामिल हो जाएगा। इसके बाद आता है, अब चार वर्ण ले रहे हैं, अगर ऊपर अगर मैं जाऊं, ऊपर अभी हमने देखा था यहां पर तो प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण आ रहे थे। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, ये जो स्टार्टिंग के चार दिख रहे हैं, चार, ये चार, ये चार और ये चार, प वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और क वर्ग, इन चारों के जो चार वर्ण हैं स्टार्टिंग के स्पर्शी कहलाते हैं। अभी जो हमारे चौ वर्ग के स्टार्टिंग के चार हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको स्पर्शी में कहकर स्पर्शी संघर्षी कह देते हैं हम। अभी बचे हुए पांचों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण है ये देखिए, ये है हमारे नासिक के व्यंजन, ये नासिक के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में मतलब ये अनुनासिक की भांति है। मान के चलिए जैसे अभी हमने स्वरों को पढ़ा था, स्वरों को दो तरीके से बांटा था हमने, निम्नानुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक में क्या था, जिनके उच्चारण में जो वायु है मुख्य सांस नाक से भी निकलेगी, जैसे ङ ञ ण और ङ और म, ये पांच वर्ण है, इनको नाक बंद करके बोलने की कोशिश करिए आपको पता चल जाएगा। तो इन पांचों को हमने नासिक के अंतर्गत डाल दिया है, वही चीज हमने यहां पे लिखी है, आप देख भी सकते हैं। तो स्पर्शी कौन कौन से हैं, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रथम चार वर्ण। संघर्षी अगर कहता है, उष्ण संघर्षी या संघर्षी, तो श, स, स और ह आ जाएंगे। स्पर्श संघर्षी अगर कहता है तो च वर्ग के प्रथम चार वर्ण, कुल संख्या चार हो गई। अब हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, यही लिखा है यहां पे, सभी वर्गों के पांचवे वर्ण नासिक के हैं, इनकी संख्या कितनी हो गई, पांच हो गई। अब आते हैं संघर्षहीन वर्ण, य और व, अंतस्थ के अंतर का य, र, ल और व, ये य और व हैं, इन्हें संघर्षहीन कहते हैं और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है इन दोनों को। इसके बाद आता है प्रकंपित, प्रकंपन जैसा महसूस होता है इनके उच्चारण में, तो र हमारा किसमें शामिल है, प्रकंपित के अंतर्गत। पार्श्विक, पार्श्विक, तो पार्श्विक के अंतर्गत हमारा शामिल होता है ल, ल, पार्श्व वाला भाग टच होता है हमारा, तो ल इसके अंतर्गत आ गया। और ताड़न जात या द्विगुण हमने देखा ही था, अड और अढ, ये ड था हमारा, ये ढ था, इनके नीचे अगर ये बिंदु लगा देता हूं तो इस बिंदु को ताड़न जात बिंदु कहते हैं,
और ये दोनों वर्ण डॉट हॉर्न रहकर क्या बन जाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम संयुक्त व्यंजनों की तरफ। संयुक्त व्यंजन हमारे चार थे, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दो व्यंजनों और एक स्वर के योग से मिलकर बना हुआ व्यंजन क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए, जिनकी संख्या चार हो गई, क्ष त्र ज्ञ और स्र। अब क्ष बनता कैसे है, अब क्ष को मैं या तो क अलंत प्लस सौ करके लिख सकता हूं, क अलंत प्लस सौ, सौ पूरा लिख दिया। अगर इसको दूसरे तरीके से भी लिखते थे, क के नीचे अलंत, स के नीचे अलंत, तो अ भी हमने लिखा होना चाहिए। अब त्र को कैसे लिखते हैं, तो अलंत प्लस र अलंत प्लस अ, या तो अलंत प्लस र। उसके बाद ये ज्ञ में पढ़ के इसको ज्यों पढ़ा जाता है, ज्यों जो यो अलंत वाला ज्यों, फिर यो अलंत वाला, फिर अ, या जो अलंत यो पूरा। उसके बाद स्र आता है, स्र के अंतर अलंत वाला श, फिर र, ये तालब भी वाला श याद रखेंगे, उसके बाद र, फिर अ, र अलंत है तो अ लिखना पड़ेगा, र पूरा है तो अ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इनको ध्यान रखना है आपने। आगे बढ़ते हैं, अब हमने व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर किया है, यानी सारे जितने व्यंजन हैं उनको एक साथ मैंने लिख दिया है। अब किसको किसके अंतर्गत रखेंगे वो ही देख लेते हैं हम। सबसे पहले कॉलम में है वर्ण का नाम, इसके बाद हमारा शामिल होता है वर्ण का नाम के बाद अघोष अल्पप्राण, उसके बाद अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण और नासिक्य। क को अगर मैं देखता हूं, क हमारा कंठ के अंतर्गत आता, अभी हमने देखा था, और अल्पप्राण महाप्राण में देखेंगे तो क हमारा अघोष है, अल्पप्राण है। वैसे क को अगर मैं देखूं तो ये अघोष है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। तो अघोष के आधार पर देखें तो हर वर्ग का देखें पहला और दूसरा, जैसे तालब्य में चौर छ, मूर्धन्य में अगर देखें तो तौर ठ, दंत में देखें तो तौर थ, ओष्ठ में देखें तो पौर फ, ये सब अघोष हैं। और अल्पप्राण महाप्राण के आधार पर हमने कैसे देखा था, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो जैसे गौ की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो गौ हमारा क्या हो जाता है, सघोष अल्पप्राण। घौ क्या होता है हमारा, सघोष महाप्राण। ङौ क्या होता है, सघोष होगा, क्योंकि पांचवा वर्ण हमने क्या देखा था, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तो अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, तो ये पांचवा वर्ण है तो सघोष होगा। अब पांचवे नंबर पे है तो पांचवे नंबर, पहले नंबर पे अल्प, दूसरे में महा, तीसरे में अल्प, चौथे में महा, पांचवे में क्या होगा, अल्प। और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है, ये नासिक्य वर्ण होते हैं, तो नासिक्य के अंतर्गत आ गया। ऐसे सारे नाम लिखे गए हैं, ये वाला डायग्राम आपने जरूर बनाना है। इसी तरीके से कोई भी वर्ण आपने ढूंढना होगा, वो सारे वर्ण आपको मिल जाएंगे। जैसे कोई मुझसे पूछे भौ क्या है, भौ ये आता है ओष्ठ, ओष्ठ के अंतर्गत, और ये सघोष भी है और महाप्राण भी है, सघोष भी है महाप्राण भी है। तो ये वाला पोर्शन आपने खुद करना है, इसके बाद आगे का पोर्शन देख लेते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं हम, ओष्ठ तक हम पोर्शन कवर कर चुके हैं, इसके बाद तालब्य, ये जो हमारा श हम देखते हैं, तालब्य श, यो भी तालब्य के अंतर्गत आता है। अल्पप्राण महाप्राण के अंतर्गत देखें तो श को आप देख सकते हैं, ये अघोष, यो की अगर मैं बात, श की अगर मैं बात करता हूं, ये श, ये अघोष महाप्राण है, जबकि यो हमारा क्या है, सघोष अल्पप्राण, इस तरीके से। अगला हमारा श आता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये श भी किसके अंतर्गत है, अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण। उसके बाद दंत या वर्ष मूल के अंतर्गत आते हैं श, र और ल, ये दंत के अंतर्गत आते हैं, और दंत को वर्ष पोर्शन भी हम कह देते हैं। दंतोष्ठ की बात करें तो वह हमारा दंतोष्ठ के अंतर्गत आता है, और अल्पप्राण महाप्राण के हिसाब से देखें तो सबसे पहले क्या था, अल्पप्राण महाप्राण, तो वह हमारा क्या हो गया, अल्पप्राण। सघोष अघोष देखें तो सबसे पहले अघोष, फिर अघोष, फिर सघोष, तो वह हमारा क्या हो गया, सघोष अल्पप्राण। और उसके बाद अड और ढ हमारे उत्क्षिप्त
या द्विगुण व्यंजन हमारे बन जाते हैं, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं, तीन पॉइंट आपके क्लियर कर देते हैं। जैसे हमने क ख ग घ ङ लिखा था, ङ जब लिखा था तो एक बिंदु यहां पर लगाया था, जब ड ढ ड ढ के नीचे बिंदु लगाया था तो आपने देखा होगा ये ड लिखा, ये ढ लिखा, इनके नीचे लगाया था हमने बिंदु। और अरबी फारसी के कुछ वर्ण हैं जैसे क बिंदु यहां लगता है, ये ख बिंदु बीच से थोड़ा लेफ्ट साइड में, ग मैंने लिखा बीच में, लिख के इस साइड एक बिंदु लगा दिया, मैंने ज लिखा ज के बीच में लिख के बिल्कुल साइड में लगा दिया। तो ये बिंदुओं को क्या कहते हैं, जो ये ङ वाला बिंदु आप देख रहे हैं इसे कहते हैं। और एक बिंदु आपने और देखा था, जैसे मैंने अंग लिखना है, अ के ऊपर अंग की बिंदु लगा दी, तो इन बिंदु, ये चार अलग अलग टाइप के बिंदु है, किसको क्या नाम देते हैं वही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मल, जैसे मैं अ लिख रहा हूं, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसे कहते हैं शिरोरेखा, और ये जो खड़ा डंडा, इस तरीके से डंडा दिख रहा है, इसे कहते हैं खड़ी पाई, यहां पे लिखा हुआ है। ऊपर जो होगी शिरोरेखा, ये जो खड़ी ऐसे लाइन होगी ये खड़ी पाई। अब आते हैं, अगर इस खड़ी पाई के इस साइड को अगर बिंदु है तो इसे पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं, ये केवल ङ के साथ लगता है, क का पांचवा वर्ण। अब आता है अनुस्वार, माना एक नंबर में लिखा है, जैसे कंबल में लिखना चाह रहा हूं या कंगन लिखना चाह रहा हूं, तो क के ऊपर अंकी बिंदु बनेगी, तो जो ऊपर बिंदु बनती है उसे कहते हैं अनुस्वार। यह चिन्ह केवल स्वर के साथ प्रयुक्त होता है, जैसे अंकी बिंदु हम देखते हैं। इसके बाद आता है ताड़न जाते हैं उत्क्षिप्त बिंदु, ये ड और ढ के नीचे जो बिंदु लगता है जिसको हम अड और ढ कहते हैं, ड और ढ के नीचे ये बिंदु लग गया, ये अड और ढ बन गया, इसे कहते हैं ताड़न जाते उत्क्षिप्त चिन्ह। ताड़न जा शब्द का अर्थ होता है फेंका हुआ, ये केवल अडोर और ढो के साथ लगता है। अब आता है नुक्ता चिन्ह, नुक्ता चिन्ह ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है, यह पांच वर्णों पर लगता है जिसमें क ख। देखिए अगर मैं खाली क लिख रहा हूं, ये क है, अगर ये बिंदु लगा दूं क हो जाएगा ख, जैसे मैंने ख लिखा है ख, जैसे इसके नीचे अगर नुक्ता बिंदु लगा दूंगा इसका ऊंचाई ख हो जाए ख, इस तरीके से। जैसे मैंने ज लिखा, ये सिंपल ज है, अगर इसके पास अगर मैं नुक्ता बिंदु लगा दूंगा ये ज हो जाएगा ज ज, इस तरीके से। जैसे दो शब्द में लिखता हूं, एक शब्द मैंने लिखा राज, ये राज हो गया, अगर इसी के ऐसे लिख देता हूं रा ज और यहां पर एक बिंदु लगा दे ये राज हो जाएगा राज राज, ये था राज राज, ये राज, यानी ये अरबी फारसी का, ये नुक्ता की वजह से जा रहा है, इसे ध्यान रखना है। तो चार बिंदु, अगर शिरोरेखा के ऊपर अगर बिंदु लगता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं, खड़ी पाई के अगर दाहिने साइड को लगता है तो उसे हम पंचमाक्षर कहते हैं, अगर खड़ी पाई के जस्ट नीचे लगता है, बिल्कुल वर्ण के बिल्कुल मिडिल में नीचे लगता है तो वो हो जाए अड अढ़ जैसे हम लिखते हैं, तो उत्क्षिप्त हो गया ये। अगर ये खड़ी पाई के लेफ्ट साइड बाई साइड को अगर लगता है इस तरीके से तो नुक्ता चिन्ह हो जाता है, जैसे क ख ग ज और फ, आजकल ख ज और फ का ही प्रयोग होता है, अरबी फारसी के शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द याद रखेंगे। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो पॉइंट बड़े से डिस्कस कर लेते हैं फिर हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो हिंदी भाषा के क ख ग ज और फ, इनके आगे नुक्ता चिन्ह लगाने से ये वर्ण अरबी फारसी के हो जाएंगे। और ऐसा किसने कहा था, ये प्रयोग किसने कहा था, सबसे पहले राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद नामक कवि ने, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद नामक व्यक्ति ने। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है, उम्मीद है सेशन आपको